हेलो गाइस, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग एंड फैक्ट। बेसिकली जैसा आपको पता है कि हमारी रेवेल स्ट्रक्चर की सीरीज चल रही है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं वीडियो ला रहा हूँ। तो आज हमारा डे टू में आपको कुछ यूजफुल कमांड के बारे में बताऊंगा, जैसे कि वॉल कैसे क्रिएट करते हैं, फाउंडेशन कैसे क्रिएट करते हैं, कॉलम बीम कैसे क्रिएट करते हैं। ये सारी चीज़ को आज मैं आपको ब्रीफ दूंगा ताकि आपको समझ आए जब हम दो दिन बाद यानी कि डे 4 में हम एक प्लान पर वर्क करना स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक उसी प्लान पर वर्क करेंगे। आपको पूरा लर्न कराऊंगा रेवेल स्ट्रक्चर, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको इंटरफेस दिख रहा है, हमारा रेवेल स्ट्रक्चर का इंटरफेस है, ठीक है। तो लेक्चर बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसने अभी तक रेवेल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं सुना है, ना ही कभी यूज़ किया है, तो बिगिनर मेरी वीडियो से ज़रूर लर्न कर सकते हैं। तो आज डे 2 है, आपको सबसे पहले डे 1 देखना पड़ेगा, फिर स्टार्ट कीजिए डे 2, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए नया टेम्पलेट हमें खोल लेते हैं। सबसे पहले हम न्यू पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे टेम्पलेट आ जाती है हमारी, तो कोई कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट, आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल। वी आर वर्किंग एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर, सो हम यूज़ करेंगे स्ट्रक्चरल टेम्पलेट, इस पर क्लिक कर देंगे एंड देन ओके। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक वर्कशीट ओपन हो जाएगी, यही शीट हमारी वर्कशीट है, ठीक है। सॉरी, तो जैसे ही हम ओपन करते हैं आपको ये चार कैमरास देखते हैं। ये बेसिकली कैमरा नहीं है, हमारे एलिवेशन शो करते हैं इसी के बीच में, यानी कि इस कैमरास के बीच में हमें अपने ड्राइंग बनानी होती है ताकि ये कैमरा उसको कवर कर सके। अगर आपको एलिवेशन देखना है, मान लिया आपने ड्राइंग बनाई, आपको वेस्ट का एलिवेशन चाहिए, तो आप देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट ब्राउजर में ये वेस्ट है, ईस्ट पे नॉर्थ साउथ, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वेस्ट का आ जाएगा। अगर आपको इसे डिलीट कर देंगे तो यहाँ से आपका एलिवेशन रिमूव हो जाएगा, तो आप वेस्ट साइड का एलिवेशन नहीं देख सकते। इसलिए हम जो वर्क करते हैं इन कैमरास के बीच में करते हैं ताकि हम एलिवेशन देख सकें। और अगर स्पेस कम लगता है आपको, तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है ईजिली, इसको ड्रैग सिलेक्ट करने के बाद, और इसको ईजिली ड्रैग कर देंगे तो ये वर्क स्पेस बढ़ जाएगा, ठीक है। कि आपको कितने भी से मूव करा सकते हैं, कितनी भी दूरी पर, अगर आपकी आपको लग रहा है कि मेरी ड्राइंग इसके बीच में नहीं आएगी, तो आपको अपना प्लान के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब टॉपिक पर। सबसे पहले आपको क्या दें, जैसे ही आपको टैप्स दिख रहे हैं, आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर पर जाना है, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे आपके सामने बीम, वॉल, कॉलम, फ्लोर, ये सारे टैप्स आ जाते हैं। अब बेसिकली इसका यूज़ बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वॉल की, वॉल कैसे क्रिएट करते हैं रेबिट में। सबसे पहले आपको रेबिट में जाना है, वॉल के इस ट्रायंगल पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको चूज़ कर लेनी है स्ट्रक्चरल वॉल, ठीक है। हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चरल वॉल पर हम वर्क करेंगे, ना कि आर्किटेक्चरल पर। जैसे आप स्ट्रक्चर वॉल पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये प्रॉपर्टी जो होती है, बेसिकली हम जो भी यूज़ मेंबर या कंपोनेंट चूज़ करते हैं उसकी प्रॉपर्टी शो करता है कि आपने क्या चूज़ किया, उसकी क्या क्या डायमेंशन, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं उसकी, ठीक है। हमने प्रॉपर्टीज़, जैसे हमने वॉल सेलेक्ट किया, हम प्रॉपर्टी में जाते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग कौन सी वॉल लेनी है। देखिए यहाँ पर बहुत सारी वॉल्स आ जाती हैं, आपको कौन सी वॉल लेनी है अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेनी है, ठीक है। तो जैसे कि हम जेनरिक पे ले लेता हूँ मैं, जैसे जेनरिक 200 mm की हमारी ये वॉल है, इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आप कोई सी वॉल चूज़ कर लेते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ होगी। जेनरिक वॉल मैं ले लेता हूँ। अब क्या करना है मुझे, देखिए 200 mm ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एडिट पर जाकर हमें अपने अकॉर्डिंग वॉल की थिकनेस जो है अपने अकॉर्डिंग लेनी है, ठीक है। तो वॉल पर जैसे मैंने एडिट किया है, आपको क्या करना है, यहाँ पर डुप्लीकेट में जाना है। डुप्लीकेट में आपको 9 इंच की वॉल चाहिए, 9 इंच, इसका रीनेम डाल दीजिए, इसको ओके कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या है, आपको अपनी थिकनेस चूज़ करनी है। एडिट में गए, वॉल की थिकनेस ये, ठीक है, 9 इंच। आपको यहाँ पर अगर मान लिया के 9 इंच ही, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं 9 इंच, ठीक है, उसको कर देते हैं हम ओके, और इसको कर देते हैं हम ओके। तो हमारी जो बॉल होगी वो 9 इंच की बॉल है ये, वो इसका बेसिकली लेवल हम वन पर वर्क कर रहे हैं, तो वन रहने देता हूँ ऑफसेट इसका, जैसे ठीक है। अब आपको क्या करना है, बेसिकली देखिए जैसे हम ये चूज़ करते हैं तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं वॉल के लिए। वॉल सेंटर में इस टाइम, तो वॉल क्या होगी हमारी, सेंटर होगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया, जूम करके दिखा देता हूँ आपको, देखिए आपको ये सेंटर लाइन दिख रही है, तो वॉल जो होगी हमारी सेंटर ग्रेड होगी। जैसे मैंने क्लिक किया, छोड़ दिया, ठीक है। आपको फिर नीचे को लाना है, जैसे आपने तो सेंटर ये स्नैप करेगी, आपको फिर क्लिक करके
जितनी आपको वॉल की डिस्टेंस चाहिए उतना आपको आगे ले जाना है, और आप सिंपली टाइप भी कर सकते हैं डिस्टेंस। मान लीजिए मैं डिस्टेंस टाइप कर देता हूँ 3 मीटर 3000 mm, यानी कि तो 3 मीटर से टाइप करके आपको एंटर कर देना, तो आपकी वॉल क्रिएट हो जाएगी 3 मीटर के लिए। तो बेसिकली ये वॉल ऐसे क्रिएट करते हैं इसमें, और इसको मैं मिला देता हूँ ऐसे, ये हमारा एंड। और आपको कोई भी कमांड से मारना है तो एंटर प्रेस कर देना है, आपको ये आपकी वॉल आ जाएगी। ठीक है, अभी हो गया हमारा सेंटर। अगर आपको चेंज करना है बॉल का, आपको कोर एक्सटीरियर फेस चाहिए बॉल के लिए एक्सटीरियर फेस, ठीक है, तो वो कैसे, देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो देख लिया आपको ये आउटर दिखा रहा है, तो ओनली एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर हम मेज़र करेंगे, यानी कि बाहर से बाहर हम रूम की लेंथ मेज़र करेंगे। ठीक है, तो ये इजीली बना सकते हैं, ये हमारा बन गया। ठीक है, इसकी डिस्टेंस अगर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आके इसको कस्टमाइज़ कर दें, मतलब 3x3 का आपको एक रूम चाहिए तो 3 मीटर इसकी डिस्टेंस हो गई, और इसकी विड्थ पे अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसकी विड्थ भी हम चेंज कर देते हैं, इसको मान ले कि मैं कर देता हूँ 2 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा एक बॉक्स बन गया, 3 मीटर बाय 2 मीटर का ये हमारा बॉक्स बन गया है। इसको मैं थोड़ा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से वॉल का हम यूज़ करते हैं। जैसे जैसे प्रोजेक्ट में मैं आपको बताऊँगा, तो आज मैं बेसिकली ब्रीफ बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको वॉल आप समझिए कि कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से आपको प्रॉपर्टी पे जिसमें वॉल को सिलेक्ट करेंगे, आपको प्रॉपर्टी में जाकर आपको इसका मटेरियल सारी चीज़ आप कलर वगैरह सब चीज़ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो आगे जैसे नेक्स्ट लेक्चर आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ये हमारा वॉल हो गया बेसिकली। बात कर लेते हैं कॉलम की, जैसे कॉलम की बात करें, कॉलम पे गया आपने, कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। इसमें एक ऑप्शन था लोड फैमिली का, बेसिकली आपको ये यहाँ पर देखो स्टील कॉलम शो हो रहा है। आपको अगर रेनफोर्समेंट, अगर आपको कॉन्क्रीट कॉलम चाहिए, आपको क्या करना होगा, लोड फैमिली से लोड कराते हैं, इसमें ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल होती है, तो हमें फैमिली में जाकर चूज़ करना होता है। जैसे आप लोड फैमिली पे क्लिक करेंगे, आपको प्रीव्यू पे क्लिक कर दें, फिर इंडिया में जाइएगा, उसके बाद आपको देखना है स्ट्रक्चरल कॉलम। ये रहा हमारा स्ट्रक्चरल कॉलम, देखिए वुड कॉलम, स्टील का, प्रीकास्ट कॉन्क्रीट, लाइट गेज, स्टील एंड कॉन्क्रीट। हमें कॉन्क्रीट का चूज़ करना है तो कॉन्क्रीट में जाइए, आपको स्क्वायर कॉलम मिल जाएगा, आपको राउंड कॉलम मिल जाएगा, आपको ड्रॉप कैप कॉलम रेक्टेंगल का, आपको स्क्वायर कॉलम लेना है तो स्क्वायर कॉलम में क्लिक करके ओपन कर दीजिए। तो देखिए आपका कॉलम आ चुका है, ये आपको शो हो रहा है, देखिए प्रॉपर्टी में शो हो जाएगा 300x300 का आपका कॉलम है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ, ये हमारा जो कॉलम है ना 300x300 का हमारे कॉलम हो गया, एंटर से हम बाहर आ जाते हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आपको इसको साइज कम या ज़्यादा करना है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, एडिट में जाइए आप, यहाँ से इसकी एडिट में जाकर आपको क्या होगा, सिंपली इसकी डायमेंशन चेंज कर देनी। स्क्वायर कॉलम है तो हम जाहिर सी बात है दोनों लेंथ एंड विड्थ इसकी सेम होती है, तो इसको 400 करेंगे तो लेंथ और विड्थ इसकी दोनों चेंज हो जाएंगी, तो ये 400x400x400 का हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये कॉलम ऐसे क्रिएट करते हैं, आपको स्क्वायर में कर दे तो हम वहाँ पर आपको दोनों डायमेंशन चेंज कर सकते थे। तो बेसिकली ये कॉलम है, इसको कॉलम इसका मैं 3D व्यू तो आपको दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है। देखिए इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसका 3D व्यू आपके सामने हो जाएगा। देखिए प्योर कॉन्क्रीट कॉलम है, देयर इज नो रेनफोर्समेंट इन इट, इसमें रेनफोर्समेंट वाल में इंस्टॉल करते हैं, तो प्योर कॉन्क्रीट कॉलम है आपके सामने शो हो रहा है, देखिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वीम की। स्ट्रक्चर पे आपको वीम पे क्लिक करना है, वीम भी सेम ही है। ठीक है, आपको देखिए इस टाइम पर स्टील वीम है, आप कॉन्क्रीट बीम आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लोड फैमिली का ऑप्शन है, कॉन्क्रीट बीम आपको लोड कराना होगा, प्रीव्यू में जाइएगा, इंडिया में सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग में जाना है और कॉन्क्रीट चूज़ कर लेना है। ये आपको बीम मिल जाएगा कॉन्क्रीट का रेक्टेंगल बीम, आपको रेक्टेंगल बीम चूज़ कर लेना है। ठीक है, जैसे चूज़ करेंगे देखो आपको 400x800 mm का हमारा स्क्वायर रेक्टेंगल कॉलम है। अगर आपको साइज चेंज करना है तो एडिट में जाना है, आपको डुप्लीकेट चूज़ करना हमेशा, क्योंकि आपका बाई डिफ़ॉल्ट चेंज हो जाएगा अदरवाइज़। तो आप न्यू बनाना है तो आपको मान लिया कि आपको चाहिए 300x400 का आपको कॉलम चाहिए, तो रिनेम भी इसका मैं सेम दे देता हूँ, ओके।
आपको यहाँ पे देखिए विड्थ यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, विड्थ हम 300 कर देते हैं और हाइट इसकी 400, तो 300 बाई 400 का हमारा एक बीम हो गया। ठीक है, अब बीम कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपली क्रिएट करेंगे। मान लीजिए बीम क्रिएट करना है, कॉलम के मिड से मैं आगे तक ले जाऊँगा, उसको क्लिक कर दूँगी, हमारा बीम क्रिएट हो गया। देखिए ये हमारा बीम है, आपको एंटर करना, आपको इस पर देखना है, ये हमारा बीम क्रिएट हो गया। ठीक है, आपको इसका एलिवेशन दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है। देखिए ये हमारा कॉलम था और ये हमारा बीम है। ठीक है, तो ये हमारा कॉलम एंड बीम हो गया। अब हम चलते हैं प्लान में, आपको दोबारा से उसमें आना है तो लेवल वन में प्लान में आ जाना है। ठीक है, और यहाँ से आपको ये एलिवेशन में जाना है तो एलिवेशन में यहाँ से जा सकते हैं। आपको 3D देखना है, इसका 3D भी यहाँ से आ जाएगा, आपको 3D भी दिखा देता हूँ इसका। देखिए 3D भी इसका, ये एनालिटिकल मॉडल है इसका, 3D ऐसा शो हो रहा है, कॉलम है हमारा ये। अब बात कर लेते हैं हम आइसोलेट ये फिटिंग, अब बात कर लेते हैं फिटिंग कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए फिटिंग पर केवल इसमें एक ऑप्शन होता है, आइसोलेट पे आपको क्लिक करना है, आपकी फिटिंग आ गई। ठीक है, तो आप भी फिटिंग का साइज भी ऐसे ही चेंज कर सकते हैं जैसे मैंने आपको कॉलम का बताया था। एडिट में जाना है आपको, कर लेना है और लेबल ये सिलेक्ट करना है, मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो बेसिकली हमारी फिटिंग आ गई है 1800 1200 बाई 450। देखिए सिंपली आपको क्लिक कर देना, फिटिंग हमारी तैयार, ये हमारी फिटिंग। अब आपको दिखा देता हूँ इसका 3D व्यू। देखिए ये हमारी फिटिंग है, ये हमारी फिटिंग आ चुकी है। तो इस तरह से इसमें फिटिंग क्रिएट करते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको थोड़ा फास्टली बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और ये आज केवल एक नॉर्मल है, आपको केवल इसको समझना है। ठीक है, अब स्लैब है, आपको स्लैब भी सेम ऐसे ही हम फिक्स कराते हैं। मान लें कि हमारा फ्लोर है, स्लैब पे आपको क्लिक करना है, स्ट्रक्चरल स्लैब आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको मान लें कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ रेक्टेंगल, और यहाँ से इस पूरे पे मैं स्लैब डाल देता हूँ। ठीक है, और कर देता हूँ ओके। तो ये बेसिकली हमारा स्लैब डल चुका है। ठीक है, अगर आपको तो इस तरह से हम स्लैब इसमें डाल रहे होते हैं तो ये हमारा स्लैब, देखिए ये हमारा स्लैब बन गया। अब जैसे मैं इसमें, ये कंक्रीट एक स्लैब है। अब इसका मैं 3D व्यू आपको दिखाऊं, देखिए आपको ये जो दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारा स्लैब है। ठीक है, तो इस तरह से हम वर्क करते हैं। जब मैं एक प्रॉपर प्लान में वर्क करूँगा तो स्टेप बाई स्टेप चलूँगा तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो स्लैब इस तरह से करते हैं, और ये हमारे ब्रासेस है, बीम सिस्टम है, ये मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में। और ये बहुत सारी फीचर्स मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। मॉडिफाई कमांड, ये ऑफसेट कैसे लेते हैं, मूव कैसे करते हैं, कोई भी कॉपी कैसे कराते हैं कंपोनेंट को, ट्रिम कैसे करते हैं, मिरर कैसे लगाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मॉडिफाई कमांड बताऊँगा, और उसके नेक्स्ट में आपको हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला डे ऑफ वर्किंग का, उस प्लान पर जो मैंने आपको प्लान शो किया था। जैसा आप देख सकते हैं फर्स्ट डे वीडियो में, वो वाला प्लान मैं आपको बताऊंगा डिज़ाइन कर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आपने जो लर्न करना चाहते हैं रैपिड स्ट्रक्चर, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जुड़े रहिए मेरे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आपको सबसे पहले, अगर आपने फर्स्ट डे नहीं देखा है तो लिंक मैं दे दूँगा, आई बटन में भी दे दूँगा और नीचे भी दे दूँगा, वहाँ से आकर डे 1 देख लें और फिर डे 2। थैंक यू।